महाराज जी प्रणाम। मकर संक्रांति महाराज जी आज उत्सव मना रहे हैं सभी, तो उसके बारे में महाराज जी जानना चाहेंगे। मकर संक्रांति क्या, उसका एस्ट्रोनॉमिकली क्या महत्व होता है? क्या उसको अभी मनाना शुरू किया है, यानी पिछले कुछ 1000 वर्षों में, या उससे पहले भी मनाते रहे हैं? और क्या इसमें कुछ, मतलब जिस प्रकार से कहा जाता है, कुछ परिवर्तन होने की संभावना भी होती है ज्योतिषी दृष्टि से? हमारा जी, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। आज ये जो प्रश्न है ये उपपन्न अभी तत्काल में आ भी चुकी। आज का दिन सर्वत्र मकर संक्रांति के रूप में मनाया जा रहा है। भारत में सभी प्रांतों में अपने अपने रीति से इसको मनाया जाता है। जी तो पहले तो मकर, जी तो ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसे ही समझ रहे हैं कि एक राशि है, राशि का नाम है। जी और ये मकर राशि, अब राशि क्या है, तो आकाश में जो ये पूरा एक नवचक्र में मान जी सूर्य सूर्य का और चंद्र का जो मार्ग है, जी जी आभासी मार्ग है, यानी जी हमें यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि वो किसी ताराओं के बैकग्राउंड में जी ये भ्रमण कर रहे हैं। जी और ये भ्रमण रोज का भ्रमण नहीं, जी रोज के भ्रमण को हटा करके हम उसकी जो गति देखते जी हैं, डायरनल मोशन को हमें इग्नोर करके हमको देखना होता है, क्योंकि आकाश पूरा भी घूमता है, जी मतलब तारों के साथ तारों का बैकग्राउंड भी घूम रहा है जी और ये सूर्य और चंद्र भी घूम रहे हैं। परंतु सूर्य और चंद्र चूंकि तारों की गति से उनकी किंचित कम होती है गति, जी इसलिए वो पिछड़ के चले जाते हैं, जी जी ठीक है ना। तो जब तारों के बैकग्राउंड में हमको ये ऐसा प्रतिदिन चंद्रमा जो है वो एक नक्षत्र करता जी आगे बढ़ता हुआ दिखाई जी देता है लगभग, जी और सूर्य जो है वो लगभग 1 डिग्री मार जी 1 डिग्री जी आगे बढ़ता हुआ। जी तो उससे क्या हो जाएगा कि पूरे आकाश में उसी स्थिति में वापिस आने के लिए सूर्य को लगभग 1 वर्ष लगेगा जी जी उसी तारे के जी सन्निधि में वापिस आने में, और चंद्रमा जो है वो 28 दिन में ही वापिस आ जाएगा वहां पर। जी जी तो अब ये जो नक्षत्रों की अपेक्षाएं, जी नक्षत्र यानी तारों तारों की अपेक्षाएं, जी जी तो प्राचीन काल में क्या था कि वेद में चंद्रमा की नक्षत्र की स्थिति को अच्छे से बताना आरंभ हो गया था। जी महाराज जी और यहां तक हो गया था कि दिन की पहचान, जैसे आज हम अमुक तारीख है ऐसा बोलते हैं ना, जी जैसे महाराज जी आज मान लो कह देंगे कि 14 जनवरी है, जी महाराज ऐसा करके बोलते हैं हम, हाँ जी हाँ तो ये दिन की एक प्रकार से पहचान हो जाती है। जी तो ऐसा वेद में हम उसको नक्षत्र से दिन की पहचान होता हुआ दिखते हैं, जी जी है ना। तो जैसे वेद में जैसे वाक्य आएगा कि एषा वै जघन्या रात्रि संवत्सरस्य यत्पूर्वे फल्गुनी, ये संवत्सर की अंतिम रात है। जी महाराज कौन सी? पूर्व फल्गुनी। तो यानी एक दिन रात को आप नक्षत्र के संबोधन कर रहे हैं, जी महाराज तो उसमें उसमें जो कन्वेंशन है यानी सर्वस्वीकृत है जी क्या, कि चंद्रमा उस नक्षत्र के, आप चंद्रमा को देख रहे हैं तो उस नक्षत्र के पास में है कहीं पर, जी जी ठीक है ना, ऐसा था। तो अब ऐसा कालांतर में क्या हुआ कि जब मनुष्य की और स्पृहा बढ़ जाती है, जानने की इच्छा मतलब जानने की इच्छा, जी महाराज जी क्या क्या जानने की इच्छा बढ़ी, तो स्वाभाविक बात है कि आकाश में हमें वो ग्रह जो है दिखने लग गए, जी यानी हम उनको नाम देने लग गए। जी ग्रह का अभिप्राय क्या होता है? चलते हुए तारे, चलते हुए तारे, वांडरिंग स्टार्स। जी ग्रह यानी वहां कोई, आज जैसे हम जो साइंसेस में, फिजिकल साइंसेस में जैसे हम उसको प्लैनेट बोलते हैं, वैसे उस अर्थ में प्लैनेट नहीं है वो। जी 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 आकाश में हमको वो कुछ ज्योतियां जो वो है एक दूसरे के अपेक्षा से बहुत जल्दी से स्थान बदलती हुई दिखाई देती है, तो वॉन्डरिंग स्टार उसको कहेंगे, जी उसको हमने कर। अब उनको जब हम एन्यूमरेट करने लग गए, बताने लग गए, जी और उसमें फिर हमने सूर्य को भी
ताराओं के अपेक्षा से बताने लग गए जी। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हुई जी महाराज जी। इन डेवलपमेंट के बाद क्या हुआ कि इसमें दो प्रकार के मत है। एक मत ये है कि खाल्डिया नाम का जो देश है, खाल्डिया यानी वर्तमान में इराक में पड़ेगा वो, तो प्राचीन काल में उसका नाम बेबीलोन था। बेबीलोन हाँ जी। कुछ वर्ष पहले उसको मेसोपोटामिया कहते थे उसके, उस बेबीलोन के कहने पहले भी उसके कुछ नाम रहे हैं जी। तो बेबीलोन की जो संस्कृति थी वो उसमें जैसे कुरु नाम का राजा था जी, फिर कंबोज नाम का राजा था, ये पर्शिया में थे जी, ये राजा जी, जी। उस समय में उन्होंने कुछ आक्रमण करके उस देश को जीत लिया था जी। तो ये जो बेबीलोन में नबूनज़ीर नाम का एक राजा था, उसके पहले वो हम्मुराबी का भी आपने नाम सुना होगा, तो ये सब बेबीलोन के राजा थे जी। तो असुर पूजक ऐसा उनको कहा जाता है जी। उसी देश का पहले नाम असीरिया भी था। असीरिया संभव है कि उसी देश में ये मय असुर, जो मयासुर नाम से जो प्रसिद्ध है जी जी, संभव है कि ये मय असुर भी उस खाल्डिया देश का अभिजन यानी वहां का जन्मा हुआ हो सकता है, या वहां के रहने वाले लोगों का अन्वय यानी उनके वंश में उत्पन्न हुआ ऐसा हो सकता है जी, जी। और भारत से भी उसका काफी संबंध प्रतीत हो रहा है जी। मयासुर की कथा हम सब जानते हैं कि महाभारत में भी हम मय को भारतीय भारत में खांडव जो ये वन है अपना जी, वहां पर अर्जुन ने उसको उसकी रक्षा की, उसके प्राण की, इसलिए उसने आप जानते हैं कि इंद्रप्रस्थ की जो सभा थी जी, युधिष्ठिर की, वो मय असुर ने उसको बना के दिया था जी, जी, जी। अब हिस्टोरिकली ये व्यक्ति कौन है ये अब तो और तो कोई विशेष प्रमाण इसमें उपलब्ध नहीं है, परंतु ये हम जानते हैं कि सौर सिद्धांत नाम से जो भी ग्रंथ प्रचलित है जी, और जिसका वराहमिहिर ने भी अपने पंच सिद्धांतिका में वर्णन किया जी, वो मय असुर जो है वो उसको वो मय असुर के नाम से है। अब वो वही मय असुर है कि नहीं, अब ये तो प्रश्न का उत्तर देना जी जी सहज ही संभव नहीं है जी, क्योंकि और हिस्टोरिकल डेटा अपने पास नहीं है जी। तो अब कहते हैं कि वो मय असुर ने इसका जो गणित दिया वो बहुत ही सुंदर था। उस समय कहां तक पहुंच गए हम, उसमें हम सूर्य के ग्रहण को भी हम उसका समय जी निर्धारित कर सकते, कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण और कितने समय पे दिखेगा। चंद्र ग्रहण तो थोड़ा सा व्यापक होता है जी, परंतु सूर्य ग्रहण जो होता है वो बहुत ही सीमित स्थान पे दिखाई देता है जी, जी। वो छायाओं का जो जैसा भी अध्ययन है, तो इसके कारण से परीक्षा सारी जो है गणित की और एस्ट्रोनॉमी की जो परीक्षा थी जी, जी। वो सूर्य ग्रहण के करेक्ट प्रिडिक्शन के लिए थी जी, तो उसके लिए और प्रिसीजन आप बढ़ाते चले गए जी। तो ऐसे ही प्रसंग में कहीं तो उन लोगों ने कैसे, तो मुझे ये अब निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि एक मत तो ऐसा है कि वो खाल्डिया देश से जी, ग्रीक लोगों ने भी उसको सीखा और फिर कुछ वो शायद भारत से भी उनका इसका घनिष्ठ संबंध था जी। जैसे वराहमिहिर स्वयं इस बात को कहता है कि मैं मग ब्राह्मण हूं। अच्छा महाराज जी, वराहमिहिर अपने आप को क्या कहते हैं, मग ब्राह्मण, मग ब्राह्मण हूं। और मग ब्राह्मण आप जानते हैं कि सूर्य पूजक होते हैं ये। अच्छा अच्छा। अभी भी भारत में जो जैसे सेवक नाम से जो राजस्थान में और यहाँ पर उत्तर भारत में भी शाकल द्वीपीय ब्राह्मण जो कहलाते हैं जी, जी। तो ये सब अभी भी इनमें चलता है कि हम ईरान के देश के हैं करके जी, जी। मग देश कहाँ था ये भी किसी को ठीक से पता नहीं है जी, परंतु वो मग ही में से ही ये जरथुस्त ये जो अनुयायी थे जो पारसी कहलाते हैं जी, जी। तो वो भी क्योंकि वो जो जरथुस्त नाम के जो आचार्य थे उनके जी, मर जी।
वो भी मग कहलाते थे। अच्छा महाराज जी, तो ये मग कहाँ है ठीक से नहीं पता है, पर कोई मीडिया नाम का देश मानते हैं ना, वर्तमान में जो अजरबैजान आर्मेनिया के पास में है, मतलब नॉर्दर्न ईरान में पड़ता है ऐसा मानते हैं कई उसमें। अब मुझे उसमें कोई विशेष जानकारी नहीं है, परंतु ये हमें पता है कि सूर्य पूजक जो भारत में जैसे कोणार्क है, मोढ़ेरा है, ये जो सूर्य मंदिर है हमारे सारे, तो ये सब एक इनकी भिन्न परि इनकी ये जो पद्धति है ये थोड़ा सा कि मूर्तिकला भी भिन्न है उनके सब कुछ। और वो तो ईरान से और फिर उधर पीछे उसके इराक जी जी। तो ये खालडिया नाम का जो देश था इसको कोई लोग कहते हैं, और इसमें जो पांच सिद्धांत जो महारामीर ने बताए हैं जी, तो उसमें सबसे उत्तम सौर सिद्धांत है, सबसे एक्यूरेट ज्यादा जी, और सबसे कम एक्यूरेट जो है वो पैतामह सिद्धांत है। तो पैतामह सिद्धांत तो वैदिकों का है जी महाराज, वो वेदांग ज्योतिष के अनुसार है, उसमें केवल सूर्य और चंद्र तक ही सीमित रहते हैं जी जी, और अधिक मास का निर्धारण, तिथियों का निर्धारण है ना, तिथि लोप कैसे होता है, बस यहां तक का उसका गति है जी, उसमें ग्रह का कोई गणित नहीं होता। फिर आगे चल करके वशिष्ठ सिद्धांत है, फिर रोमक सिद्धांत है, फिर पोलिश सिद्धांत है, और फिर सौर सिद्धांत, ऐसे करके पंच सिद्धांत थे जी। अब उस समय में ज्ञातव्य विषय इसमें महत्व का यह है कि ये सारा जो गणित था उसमें आकाश को 12 में बांटने का, ये समय महाराज जी कौन, ये 12 में बांटना इन्होंने शुरू कर लिया। अच्छा, वैदिक लोग जो है वो नक्षत्रों में बांटते थे, तो 27 में 28 में बटेगा जी महाराज जी, तो इन्होंने क्या शुरू किया, 12 में बांटना शुरू किया। हालांकि 12 महीने होते हैं वर्ष में, ये वैदिकों को भी अच्छे से पता है जी। परंतु उस पूरे वर्ष को में जो सूर्य की आभासी गति है उसको 12 में बांटना जी, ये वैदिकों ने नहीं किया हुआ है जी जी, मतलब साक्षात वेद में नहीं दिखता जी, ना वेदांग ज्योतिष में दिखता है जी। तो अब कालांतर में किसने उसको उपज्ञा की, क्योंकि ये एक सजेशन है ना, ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने उसको कहा और फिर बाकी लोगों ने सुविधा के दिखते हुए उसको स्वीकार किया जी। क्योंकि 12 से आप समझते हैं कि यदि आप 360 करना, ये वेद में बहुत प्रसिद्ध है जी जी, क्योंकि 360 के ही दिनों में एक संवत्सर मान लिया जाता है जी जी। तो 360 तो इसी से 360 अंश बन गए जी। तो 360 अंश को यदि आप 12 में बांटना है तो बड़ा सरल हो जाता है जी जी जी, तो 30-30 अंश का एक विभाग बन जाएगा जी। अब ऐसे आकाश के जब आप विभाग बनाते हैं तो आप उसमें कुछ अलग प्रकार से आप ताराओं का समूह आपने उसमें उसका एक रिप्रेजेंटेटिव, उस सेक्टर का रिप्रेजेंटेटिव आपने कोई एक ताराओं का कोई कल्पित आकृति बना ली जी, ऐसे 12 आकृतियां हो गई जी। तो उसको ये लोग जोडिया कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, यहाँ पर भारत में उसको राशि कहने लग गए जी। यद्यपि राशि शब्द भारतीय साहित्य में वेद में भी है, और राशि शब्द का अर्थ होता है ढेर जी, कोई भी एक कलेक्शन ऑफ जी। तो अब यहाँ पर वो इस प्रकार से विभाग का एक पारिभाषिक शब्द हो गया, यानी एक टेक्निकल टर्म हो गई उस शास्त्र की, वो टेक्निकल टर्म है राशि जी, राशि। तो अब उसका जनरल मीनिंग नहीं लेना है, वही मीनिंग लेना है कि 12 राशि होती है जी, जी जी, और उसके फिर वो नाम हो गए जी, उसकी वो आकृतियां हो गई जी। अब ये आकृतियां और उसके नाम जी अपने अपने भाषा में जैसे भी है पर वो समानार्थक है जी, जैसे मेष है एरीज है तो अर्थ समान ही है, चित्र भी समान है और कल्पना लगभग। अब उसके पीछे कुछ कथा है, सबके यहाँ वो कथा होना जरूरी नहीं है जी। भारत में इनकी कोई इस प्रकार की कथा अन्यत्र मैंने नहीं सुनी है जी, तो उससे मैं ऐसा अपने हृदय में स्वीकार करता हूँ कि चूंकि जैसे कृत्तिकादि जो नक्षत्र है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उसके आख्यान होते हैं जी, तो इस प्रकार से ये मेषादि जो राशि है इसका कोई भारतीय साहित्य में इसके कोई आख्यान कथा ऐसा कुछ नहीं है जी, तो हो सकता है वो जो भी है इस अधिक क्या कहना उसमें जी। परंतु ये हो गया कि अब सूर्य की जब इसमें इन 12 राशियों में जो गति थी जी, इसका जैसे जैसे अध्ययन हुआ तो रोड्स आइलैंड करके एक उन दिनों में ग्रीकों के द्वारा वहां पर बसती थी, परंतु वो रोमक देश कहलाता था। अच्छा महाराज जी, और जब भारत में ये जो मध्य रेखा है भारत में जी, वो जब सूर्योदय होता है वहां पर जी, भारत में जब
सूर्योदय की जो रेखा है जी जो कुरुक्षेत्र से होती हुई और उज्जैन से भी होती हुई लंका से भी जाती है जी जी ना, ऐसा ये जो मेरिडियन था प्राइम मेरिडियन जी जी, तो ये प्राइम मेरिडियन जो अभी मध्य प्रदेश के शायद मुख्यमंत्री उसको कह भी रहे हैं कि इसी को वापस इसी को शून्य बनाए मेरिडियन माना जाए, क्योंकि पूरा ही विश्व का जो ये जो मध्ययुगीन जितना भी चाहे वो भारत का हो चाहे रोम का हो चाहे खालडिया को कहीं का भी हो वो शून्य इसी को मानते हैं। अच्छा हाँ, क्योंकि भारत में सूर्योदय जी तो उसी समय में रोमक में जी मध्य रात्र होती है। अच्छा महाराज, भारत में जब सूर्योदय हो रहा है तब वहां पर अभी मध्य रात्र है। ग्रीस न हाँ मतलब भाई रोम का है, मतलब जैन अलेक्जेंड्रिया भी है और ये रोड्स आइलैंड भी है जहां का एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक था उसका नाम था हिपार्कस जी। उस हिपार्कस ने जो निर्धारण किया उस समय में उसने इस एरिज को फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिज उसने तय किया जी। अब इसका क्या महत्व था कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिज वो शून्य डिग्री मानना आकाश में जी सेलेस्टियल लॉन्जिट्यूड है वो जी। तो उसका अर्थ ये होगा कि सूर्य जब ये जो इक्वेटर है जी को पार करता है दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हुए जी जी, तो दिन रात बराबर हो जाएंगे जी। उस ऐसी अवस्था को वर्नल इक्विनॉक्स बोलते हैं जी जी। ऐसी अवस्था को वर्नल इक्विनॉक्स यानी वसंत ऋतु का संपात आज भारत में इसका नाम पड़े जी जी। विषु वो कहते हैं इसको जी जी जी। मध्ययुग के साहित्य में इसको विषु कहते हैं जी। तो विषु यानी बराबर, दोनों पलडे बराबर, तो दिन रात बराबर हो गया। ऐसा करके सूर्य जब ऐसा उत्तरायण और दक्षिणायन गति में जब वो इक्वेटर को पास करता है जी, तो उस समय में वो किस तारे में है जी, तब वो अश्विनी के और मेष के प्रथम अंश में है ऐसा स्वीकार कर लिया जी। ठीक हो गया जी महाराज जी। अब मानते तो यही रहे कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। अच्छा महाराज जी, परंतु अब ये तो वास्तविकता है, वास्तविकता जैसा है वैसा स्वीकार करना पड़ता है जी महाराज जी। हमारी कल्पनाएं वास्तविकता के अनुसार जितनी होगी उतने हम जो है वो यथार्थ होंगे और उतना ही हम प्रकृति से तालमेल अच्छा बनाएंगे जी जी। तो हिपार्कस ने उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरिस को तय किया। उसके बाद में टोलेमी का अल्माजेस नाम का ग्रंथ है, दूसरे शताब्दी का ग्रंथ है, तो वो भी वो अलेक्जेंड्रिया में था टोलेमी, और उससे फिर वो विद्या फिर वहां से अरबों के पास भी थी। ठीक है, टोलेमी की भी जी, जी। तो उन्होंने टोलेमी के समय में उसमें परिवर्तन आ गया था, पर परिवर्तन का कारण नहीं समझ में आया। उसके बाद में भारत में आर्यभट्ट को हम देखते हैं जी, उसी के बाद ही आर्यभट्ट को हम देखते हैं। आर्यभट्ट ने और भी इसमें बहुत प्रगति की, और सबसे बड़ी प्रगति उसने ये की कि उसने ये साइन फंक्शन को उसने उसने यूज किया। उसी ने बनाया ऐसा हम नहीं कह सकते, परंतु उस समय सब सर्वप्रथम उसके ग्रंथों में हमको वो दिखता है जी। आर साइन का उसने यूज किया, तो उससे क्या हो गया कि आपका जो वो सर्कुलर जो ज्योमेट्री होती थी स्फेरिकल ज्योमेट्री वो उसको लीनियराइज हो जाती है जी। मतलब कर्व जो होता है वो आपका लीनियर माप में आ जाता है। तो साइंस बड़ा महत्व रहा उसका जी। और उससे फिर वो सूर्य ग्रहण की जानकारी में बड़ा योगदान हुआ। अच्छा, तो उसका बोलबाला हो गया आर्यभट्ट की पद्धति, और आर्यभट्ट के द्वारा भी स्वीकृत, आगे चल करके उसमें ब्रह्मगुप्त भी हुए जी, वराहमिहिर भी थे उसी साथ समकालिक, और फिर आगे तो भारत में बहुत उन 200-300 वर्ष में भारत में एक प्रकार से ज्योतिष में बहुत प्रगति हुई जी। अब जानने की बात यह है कि हिपार्कस के समय से लेकर के आर्यभट्ट और वराहमिहिर के समय आते आते जी अंतर क्या आ गया कि वो अश्विनी के में रहने के बदले वो रेवती के पास आ गया। अच्छा महाराज जी, वो जो सूर्य का जो विषु को पार करने का यानी एक इक्वेटर को पार करने का जो अवस्था थी जी जी जी, वो कहाँ आ गई, रेवती, रेवती तक आ गई। ओ महाराज जी, इसीलिए ये इसको यही चलता है ना, ये जीटा पीशियम के रूप में उसको पहचान जाता, उसी के आधार पर वर्तमान में पंचांग में जीरो जो बनाना है, जीरो डिग्री कहां मानना है जी जी, है ना, ऐसा करके आकाश में। तो भारत में क्या हो गया कि हमने ये पक्ष लिया
कि हमने तारों के अपेक्षा से ही गति को बताएंगे। अच्छा, साइडेरियल, तो उसको निरयन, उसको क्या कहते हैं? निरयन कहते हैं। तो हमारी तो राशियां रह गई निरयन, यानी तारों के ही हमने फिक्स विभाग मान लिए और उसमें फिर नहीं बदलना है, वो शून्य वही रहेगा। जी जी, सूर्य वहां पर विषु में आए या ना आए, वो शून्य वहीं से मानेंगे। तो ऐसी पद्धति को क्या कहेंगे? निरयन पद्धति। और कालांतर में वहां उन्होंने क्या पद्धति कर ली, क्योंकि हिपार्कस ने ही उस अंतर को, उसको उसने जो संवत्सर को जो डिफाइन किया, उसने वो सूर्य की अयन गति से डिफाइन किया। तो सूर्य की अयन स्थिति से यदि आप संवत्सर को डिफाइन करते हैं, यानी सूर्य उसी अयन स्थिति में वापिस आ जाए, वो एक संवत्सर है जी। तो एक अलग संवत्सर बनता है जी, ये आयनिक संवत्सर बनता है। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल जी, इसको इंग्लिश में ट्रॉपिकल कहते हैं। आयन निरयन, हाँ, अयन के अनुसार। तो हम लोग उसको सायन बोलते हैं, सायन। अयन के अपेक्षा से यदि आप संवत्सर को डिफाइन करेंगे तो वो सायन कहलाएगा, और यदि आप तारों की अपेक्षा से करेंगे तो निरयन, तो उसको नक्षत्र अथवा मतलब साइडेरियल, इंग्लिश में उसको साइडेरियल बोलते हैं, और हमारी भाषा में उसको निरयन कहेंगे जी। यानी अयन से निरपेक्ष होकर के हम तारों के अपेक्षा से केवल स्थिति को बताएंगे जी। ठीक हो गया। तो ये पद्धति, दोनों पद्धतियां हैं, दोनों का अपना औचित्य है जी। तो ये जो निरयन पद्धति में भारतीय पूरा आगे का जो विकास हुआ, तो उसमें क्या करेंगे फिर वो जी। कि उसमें अयन स्थिति को बताने के लिए एक अयनांश नाम से एक और पैरामीटर रख लेंगे कि वर्तमान में अयन वास्तव में कितना करेक्शन करना पड़ेगा जी। तो वो हमारा जो जीरो है जी, वो या तो वरामीर के समय से मान लीजिए या टोलेमी के समय से मान लीजिए जी, डिपेंड के आप कौन सा जीरो क्या मानते हैं जी। तो उसमें भारत में अभी जैसे लाहिरी अयनांश होता है, एक रमण का अयनांश होता है, ऐसा करके वो मान के आप उसको कुछ भी, उसको आप हिपार्कस का भी अयनांश मान सकते हैं जी। वो उसके आधार पे गणित होता है, थोड़ा सा ही करेक्शन करना पड़ता है उसमें जी। थोड़ा सा ही वो उसको एडजस्ट करना पड़ता है जी। तो कुल मिला करके वो क्या है कि अयन गति, अयनांश जो है जो अभी वर्तमान में चल रहा है जी। समझने की बात ये कि हमारा अभी जो मकर है जी, वो मकर हमारा अभी जी आकाश में दिखता है जी। ठीक है, सभी को दिखता है जी। और उसमें सूर्य का प्रवेश होना वो कहलाएगा मकर संक्रांति जी। मकर के क्षेत्र में जब सूर्य प्रवेश करेगा जिस दिन जी, वो मकर संक्रांति कहलाएगी जी। अब एक और इसमें एक अभिप्राय ये भी था जी, जो मैंने पहले समझाया कि जब मेष में प्रवेश करेगा तो कौन सा दिन होगा? विषुव, है ना। तो फिर कर्क में जब प्रवेश करेगा तब क्या आएगा? तब वो दक्षिणायन होगा। दक्षिणायन, हाँ मान जी, दक्षिणायन होगा। जब मेष में प्रवेश किया तो वो विषु हुआ, तीन महीने के बाद वो लौटना शुरू करेगा, तो वो दक्षिणायन कहलाएगा, तो वो कर्क में आएगा। फिर बीच में आएगा तो वो कौन सा होगा? तुला। तुला, वो तुला की जब संक्रांति करेगा तो बीच में आएगा जी। और फिर जब पूरा दक्षिण में जाकर के अब वापस उत्तर की तरफ लौटेगा तो उसको बोलेंगे उत्तरायण। तो उत्तरायण कब होगा? मकर, मकर में जी। तो मकर संक्रांति वराहमिहिर के समय में जी, जब वराहमिहिर बृहत संहिता रूपी उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की, और ये जो भारतीय लगभग साहित्य जो है वो सारा जो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो प्लेनेटरी एस्ट्रोनॉमी की जो ट्रेडिशन है अभी जो वर्तमान में जिसको हम भारतीय ज्योतिष समझते हैं जी, गणित जी, तो वो सारा जो है वो उसी समय का है जी महाराज जी। तो और वो मैंने कहा कि वो निरयन है, इसीलिए होता क्या जाता है कि हम उस मकर संक्रांति का बड़ा महत्व समझ रहे हैं, परंतु उस समय में वो उत्तरायण से मेल खा रहा था। अच्छा, यानी मकर संक्रांति तो सूर्य मकर में जाने से हो रहा है जी महाराज, परंतु पृथ्वी पर क्या हो रहा है? पृथ्वी पर उसके जो ऋतु का संबंध दिख रहा है हमको, पृथ्वी पर ऋतु का परिवर्तन दिख रहा है जी महाराज। अब वो मकर वहां पर आ रहा है और उसी समय में वो विषु को भी पार कर रहा है जी महाराज। जब मेष में आ रहा है, मकर में आ रहा है, तब वो उत्तरायण हो रहा है जी महाराज। अब वो क्या हो जाएगा कि जब पूरा सूर्य दक्षिण में गया हुआ है जी, तो क्या हो जाएगा? सूर्य की इस प्रकार से गति होने से किरणें लंबी बढ़ रही है, तो हमारे यहाँ ठंड हो रही है, उत्तर गोलार्ध में हम है। तो ये भारत के भूभाग में उन दिनों में हम उस ऋतु को क्या कहते हैं? शिशिर ऋतु का आरंभ होता है। शिशिर ऋतु,
उत्तरायण हुआ, शिशिर ऋतु का आरंभ हुआ, उसमें लक्षण दिखाई देते हैं कि ये जो घास होती है वो सब सूख जाती है, पुरानी जो घास होती है वो पूरी सूख जाती है, और फिर उस समय में यव की बुवाई भी हो चुकी होती है, जौ की फसल, और फिर ये ओस गिरने लग जाती है, ठंड बढ़ती चली जाती है, है ना, आग तापना पड़ता है, तो ये सब शिशिर ऋतु के लक्षण है। ये सब पता थे लोगों को, तो वो शिशिर ऋतु से संबंध था उसका। अब उस ऋतु के संबंध से यदि आपने कोई कार्य कर रहे हैं तो वो तो ऋतु से ही संबंधित रहेंगे। जी महाराज जी, आकाश से संबंधित आप कुछ कार्य कर रहे हैं वो तो आकाश से ही संबंधित रहेंगे जी। अब ये तो हमें पहचानना है जी कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं जी, आग जलाते हैं कि क्या करते हैं, ये सब किससे संबंधित होगा जी? वातावरण, ऋतु, ये ऋतु से संबंधित होगा। सीधा सा उत्तर होगा कि ये ऋतु से संबंधित होगा जी। अब इसमें आकाश में किस तारों की अपेक्षा सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है, उससे क्या संबंध आएगा उसका जी महाराज? अब आता होगा कि अब ये एक दुरू विषय है, वो अब हम कैसे, उसके लिए तो और कुछ अध्ययन करना पड़ेगा जी। मोटा मोटा जो लग रहा है वो ये होता है कि जैसे हम तिल खाने हैं मुझे जी, तिल गुड़ खाना है तो मैं कौन से ऋतु में खाऊंगा, तो वो तो ऋतु पे निर्भर करेगा जी महाराज। वो आकाश में सूर्य चंद्र कहाँ है उससे क्या संबंध है जी, जी। तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या होती है जी, यदि आप उसके ऊपर निर्भर है, आपका त्यौहार उससे आप निर्धारित करना चाह रहे हैं, तो आपको उसी ऋतु के ही वास्तविक लक्षणों को देखना पड़ेगा। और यदि तो आप जैसे ज्योतिष में लोगों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव यदि आपको अध्ययन करने हैं, तो कौन से राशि में है, पर राशि का क्या स्वभाव है, तो आपका जातक कैसे होगा, या प्रश्न आप कैसे बना रहे हैं, तो वो उस समय में आप उसको देखेंगे जी। जी महाराज जी, है ना, वो आपका जो भी आपका कोरिलेशन है जी, जो भी आपकी अपनी कला है, विद्या है, आपने उस विद्या में उसके साथ संबंध आपने स्थिर कर लिया है अपने बुद्धि में, और वो सटीक उतर रहा है जी, तो अब उससे संबंध है उसका जी। और ये जो हमारा बाकी खान पान और ओढ़ना पहनना और ये वो सब जो है आहार विहार जो है वो यदि इससे संबंधित है, ऋतु से संबंधित है, तो फिर उससे हमको उसका योग करना चाहिए। तो अब हमको ये समझना है कि देखो वर्तमान में उत्तरायण जो है जी, आज हम जिस दिन की पहचान हम करते हैं उस अनुसार यदि हम देखेंगे तो लगभग कब होती है उत्तरायण, कब होता है? 22 दिसंबर जी महाराज जी, ठीक है जी। और निरयन जो मकर संक्रांति है वो कब आती है? लगभग 15 तारीख को आ रही है जी। कुछ दिनों पहले 14 तारीख को आती थी जी महाराज। और जैसे हम जानते हैं कि वो विवेकानंद जी का जन्म बताते हैं कि वो मकर संक्रांति का दिन हुआ था 12 जनवरी को हुआ था जी महाराज जी। अच्छा महाराज जी, ऐसा होता है तो वो मकर संक्रांति निरयन है, तो वो 72 वर्षों में एक दिन खिसकता जाएगा। 72 वर्ष में एक दिन खिसक जाएगा तो वो एक दिन। अब ये जो हम जो 22 दिसंबर और ये जब कह रहे हैं, ये सब इसका अभी वर्तमान में जो पंचांग उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये जी। तो ग्रेगरी, पोप ग्रेगरी ने उसका लास्ट करेक्शन जो दिया था वो उसमें काफी एक्यूरेट है, फिर भी वो भी बहुत प्रिसाइज नहीं है जी। उसमें भी बीच बीच में करेक्शन करने पड़ेंगे जी, तो लंबे समय के बाद वो करेक्शन करना पड़ेगा, अभी फिलहाल चल रहा है वो जी। तो अभी तो फिलहाल उत्तरायण उस ग्रेगरी कैलेंडर में नहीं खिसकता है जी। पर पहले उनके यहाँ ग्रेगरी के पहले जो जूलियन कैलेंडर था उसमें वो खिसक रहा था जी, इसीलिए वो 22 दिसंबर तक पहुंच चुका है, नहीं तो आना चाहिए था उसको ठीक ठीक नए वर्ष के आरंभ में आना चाहिए था उनके जी महाराज जी। परंतु उनका भी वो खिसक गया जी। उनका वो जो कोई त्यौहार था ईस्टर नाम का कोई त्यौहार, मैं ठीक से नहीं जानता, परंतु वो उस विषु के दिन था जी। वो भी खिसक गया। अच्छा, जैसे हमारी जो लोहड़ी होती है वो कहाँ, उसमें बैसाखी, हमारी बैसाखी खिसक के अब 13 अप्रैल को चली गई है जी महाराज जी। तो लगभग आनी चाहिए वो 21 मार्च के आसपास। अच्छा, वो हमारा सौर कैलेंडर है पंजाब में जो चलता है, और ऐसे तमिलनाडु में जो चलता है या नेपाल में जो चलता है, उत्तराखंड में भी चलता है, ये सब सौर कैलेंडर चलता है भारत में जी। परंतु वहां पर भी वो चूंकि वो संक्रांति निरयन संक्रांति के आधार पे है वो, इसीलिए वो खिसका हुआ सा है जी, जी, जी। 13-14 के आसपास जाता है वो सारा जी, जी। और वो आना चाहिए था 21-22 के आसपास आना चाहिए था हर वो उन महीनों के।
तो इस प्रकार से मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति आज ही है जी, ठीक है जी महाराज, और वो मकर संक्रांति धीरे धीरे 15 फिर और 70 साल के बाद वो 16 जनवरी को ऐसे ऐसे होती चली जाएगी। और जो तो उत्तरायण मनाना चाहते हैं जी महाराज जी, उत्तरायण से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो अब आपको सहज ही ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये विद्वानों को मिल करके एक बार इसमें सबको मिल करके इस बात को स्वीकार हृदय में करना पड़ेगा कि हमको फिर किसका महत्व है जी महाराज, हम किसके साथ अपने जीवन को मतलब हमारी क्रियाएं ताकि यथार्थ हो जी जी, वास्तव में हम लाभ उठाएं, ऐसा है कि समय जाते जाते हम पिछड़ जाए जी महाराज जी। तो अब प्रकृति तो भाई, अब जैसे अब सर्दी में खाने वाली चीज हम गर्मी में खाने लग जाएंगे तो क्या फायदा होगा जी महाराज, है ना जी। तो वो सबको ध्यान देना है कि मैं तो उसमें कुछ विशेष कहूंगा नहीं, मेरा ये विषय नहीं है, परंतु भारत के एंशंट हिस्ट्री के अध्ययन में ये बहुत महत्व का विषय है, इसलिए मैंने तो मेरे थोड़ा सा उसमें अध्ययन में आया वो जी, और ये जो समझ में आया वो मैंने आपसे ये साझा किया जी महाराज, कि ये जो मकर संक्रांति में जी आज के कोई ऐसा ज्योतिषीय जो भी विचार हमको करना है वो करना चाहिए जी, और यदि तो आर्तव यानी ऋतु संबंधी ऋतुचर्या संबंधी कोई विचार करना है जी, तो हमें जानकारी ये होनी चाहिए कि हम उत्तरायण से करना चाह रहे हैं कि और मतलब जैसे अभी धीरे धीरे क्या होगा कि 2 महीने शिशिर ऋतु चलती है, उत्तरायण हो जाता है, फिर 2 महीने शिशिर ऋतु होती है जी, उसके बाद फिर वसंत आरंभ हो जाता है जी, तो हम वसंत के आरंभ में कोई कृत्य करना चाह रहे हैं जी, वसंतोत्सव करना चाहते हैं जी महाराज, फिर चलकर क्योंकि फसलें सब उसी अनुसार आती है जी जी, जैसे मान लो यव की जो जिसको बोलते हैं ये यव का आग्रहण होता था जी, तो वो वसंत ऋतु में होगा जी जी, है ना। और इस प्रकार से समय समय पे जो हमारी जो क्योंकि पेड़ पौधे हैं वो मुझे नहीं पता कि वो तारों से जो अपेक्षा से जो सूर्य चंद्र की स्थिति है इसका इनके ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है ये मैं नहीं जानता, परंतु मैं ये तो इतना तो स्वाभाविक दिखता ही है कि वो सूर्य के अयन गति से तो उसका प्रभाव पड़ता है जी महाराज, और चंद्रमा का भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है ऐसा भारतीय तो सभी निश्चय है शास्त्रों में कि ऋतुओं में चंद्र का बड़ा योगदान है। तो पर चंद्र का योगदान तो फिर मुख्य रूप से क्या होता है कि चंद्र पूर्णिमा और अमावस्या कैसे हो रही है, मतलब सूर्य की अपेक्षा से चंद्र को देखना है जी महाराज, तारों की अपेक्षा से आप देखेंगे तो नक्षत्र की अपेक्षा हुई तो वो एक अलग प्रकार हो गया जी। तो चंद्र की नक्षत्र की सन्निधि, चंद्र की सूर्य की सन्निधि, सूर्य की अयन की गति, ये भिन्न भिन्न गतियां हैं और विद्वानों को इसको समझना होता है। और जो सब श्रोतागण है इसमें कोई विशेष इनकी अपनी तो कुछ गति कर नहीं सकते। अच्छा महाराज जी, तो इसमें ऐसा भी है क्या कि जैसे महाभारत काल में भी इसका वर्णन मिलता है कि भाई भीष्म पितामह की कथा में ऐसा आता है कि उन्होंने उत्तरायण का इंतजार किया था महाराज, तो अगर मान लीजिए अब के हिसाब से देखते हैं माता जी महाराज जी, तो बहुत लंबा युद्ध चला होगा क्या, क्योंकि वो तो अगर माने इतना कहते हैं 18 दिन ऐसा युद्ध नहीं, युद्ध उसमें वो महाभारत के जो तिथि निर्णय में ये बहुत बड़ा पेच है ही, और वो क्या पेच है आपको बताता हूँ। 18 दिन का युद्ध था जी महाराज जी, उसके बाद एक वाक्य में ऐसा है कि 58 दिन तक जी महाराज जी उनको शरशय्या पे लेटे रहना पड़ा। अच्छा महाराज जी, अष्टपंचाशत रात्र यहाँ में व्यतीत, ऐसा करके वो बोलते हैं जी, तो ऐसा करके एक वचन ऐसा है जी। तो 58 यानी वो जो युद्ध की अवधि जी महाराज जी, 10वें दिन वो गिरे जी, और 58 दिन तक वो लेटे रहे जी महाराज, तो 8 दिन वो हो गए और 50 दिन और जी महाराज जी। उसके बाद फिर वो उत्तरायण की स्थिति आई जी महाराज जी। अब उत्तरायण को वहां पर तो द्रुक था वो, अब वो ये भी बड़ा विषय पेचीदा है कि वास्तव में उत्तरायण हो रहा था कि उनको कल्पना हुई कि उत्तरायण हो रहा है। अच्छा। तो अब वास्तव में यदि उत्तरायण हो रहा था तो फिर उस समय में कौन सा महीना था, कौन सी तिथि थी जी। तो अब इसमें माघ शुक्ल अष्टमी जी कि माघ शुक्ल सप्तमी जिसको रथ सप्तमी कहते हैं जी। तो रथ सप्तमी अन्यत्र उसको एक युगादि माना जाता है, तो वो क्या माघ शुक्ल सप्तमी को उत्तरायण हुआ
परंतु वेदों में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि माघ कृष्ण अष्टमी, माघ कृष्ण पक्ष है ना, वो जो माघ शुक्ल सप्तमी आती है उसके 15 दिन के बाद जी जो एकाष्टका होती है उस समय में उत्तरायण मानते थे जी। प्रत्येक वर्ष ऐसा नहीं होता है, परंतु वो युग 5 वर्ष का जो युग होता है उसमें युग युगादि वर्ष में ऐसा होगा जी। तो युगादि वर्ष में ऐसा होगा तो माघ शुक्ल सप्तमी में होगा जी, माघ कृष्ण अष्टमी में होगा जी। तो जितने भी विद्वान महाभारत का जो काल निर्णय करने का प्रयास करते हैं उसमें कुछ ये ऐसा और भी जो डेटा है उसमें उस सबको फिट करना पड़ता है ना जी, जी। तो जो डेटा फिटिंग करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें दो कंसिस्टेंटली डिफरेंट रीडिंग्स है जी। यानी इसी एक ही महाभारत ग्रंथ में दो प्रकार के वचन है जी। एक तो इसके साथ सुसंगत है और एक इसके साथ सुसंगत है, इसलिए ये भी बड़ा पेच है कि वो युद्धारंभ कब हुआ जी, है? जी। तो और ये उत्तरायण कब हुआ जी। इसका ये पेच है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं उस विषय को, परंतु आपने जो प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर ये है कि वहां पर माघ माघ शुक्ल सप्तमी अथवा माघ कृष्ण अष्टमी में उत्तरायण उस समय में दिख रहा है, ऐसा अपने को स्वीकार करना पड़ेगा जी। और उसी आधार पर अभी वर्तमान में कब हुआ, अभी आप वर्तमान में आप देखेंगे तो लगभग उसी गणना के अनुसार अब ये मार्ग शीर्ष जी कृष्ण जी अष्टमी के आसपास इसको हमको मानना पड़ेगा। तो अब कितना अंतर आ गया, 60 दिन का अंतर आ गया, 2 महीने, 2 महीने का अंतर आ गया। तो 2 महीने का अंतर तो उसी को 72 से गुणा कर लीजिए तो उतने पहले का वो अवसर है, इतना लगभग समझ में आ गया। अच्छा, ये इस प्रकार से इसको मेथड ऑफ प्रिसेशन बोल मैं कहता हूं इसको जी। तो ये एक प्रकार से ये भी एक भारतीय घटनाओं को यदि कहीं ऐसा वर्णन किया हुआ है कि कौन सा ऋतु था और कौन सी तिथि थी, उत्तरायण की क्या स्थिति थी, ऐसा कुछ भी बता दिया जी मैडम, तो आप उसके काल को निर्धारण कर सकते हैं। ये प्रिसेशन क्लॉक से इसको निर्धारण हो जाता है जी। तो वो बड़ा प्राचीन काल है, उसके बाद में ये जो वराहमिहिर वाला जो काल है उस समय में ये सब भारत में ये जो प्लैनेटरी एस्ट्रोनॉमी जो का ये महाराज जी लगभग 1000 वर्ष पहले, 1500 वर्ष पहले लगभग 1000 नहीं निश्चित रूप से ये 1600 वर्ष अभी इसको हो चुके हैं। और वो आप इससे मिलान करके देख लीजिए 15 और 22 कितने दिन हुए, 15 और 9 कितने हुए, 24 24 गुना 72 सीधा हिसाब है। तो इतने वर्ष हो गए, इतने वर्ष के पहले की ये निर्धारित स्थिति थी जी, जी। अब उसमें परिवर्तन अभी आया है और आता रहेगा जी जी।